सब्सक्राइब कीजिए एन टेक्निकल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, हम काफ़ी तरह की फ़ोटोज़ अपने फ़ोन में स्टोर करके रखते हैं। कभी कुछ ऐसी फ़ोटोज़ भी होती हैं जो हमें छुपा के रखनी पड़ती हैं और कोई उन्हें देख ना ले, ये बड़ा ध्यान से रखना पड़ता है। तो इसी के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ आज इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। मेरा नाम है नवीन, आप देख रहे हैं एन टेक्निकल, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपके लिए डेली ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों, अपनी फ़ोटोज़ और फोल्डर्स को हाइड करने के लिए आपको किसी भी थर्ड पार्टी ऐप की ज़रूरत नहीं है, ये आप अपने फ़ोन में ही बड़ी आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, होता ये है, अगर हम किसी भी ऐप का इस्तेमाल करते हैं अपनी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को हाइड करने के लिए, तो कभी हमें उस ऐप को अनइंस्टॉल करना पड़ जाए तो हमारा डेटा वो भी साथ ही अनइंस्टॉल हो जाता है, जो कि उस ऐप में हमने छुपा के रखा होता है। जो भी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ हमने छुपा के रखी होती हैं वो सभी उसमें अनइंस्टॉल हो जाती हैं, तो इससे आपका काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हैं मेरी गैलरी में ये कुछ फ़ोटोज़ पड़ी हैं सामने, ये फ़ोन की फ़ोटोज़। मैं आपको बताता हूँ कि बड़ी आसानी से आप कैसे इन्हें हाइड कर सकते हैं। दोस्तों, आपको अपनी माई फाइल्स में जाना है, जो भी जहाँ भी आपकी फ़ोटोज़ पड़ी हैं, चाहे वो एसडी कार्ड है या डिवाइस स्टोरेज है, आपको उसे क्लिक करना है। दोस्तों, जिस भी फोल्डर्स में आपकी फ़ोटोज़ पड़ी हैं या जो भी आपको फोल्डर हाइड करना है, उसको आपको सिर्फ लॉन्ग प्रेस करना है और यहाँ पे मोर के ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे आपको उसे रीनेम करना है। रीनेम में आपको कुछ नहीं चेंज करना है, सिर्फ इसके सामने एक डॉट डाल दीजिए। जैसे ही आप इसको रीनेम करेंगे, ये फ़ोल्डर हाइड हो जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये फ़ोल्डर बिल्कुल हाइड हो चुका है और आपकी फ़ोटोज़ भी आपकी गैलरी से हाइड हो चुकी हैं। ये देखिए दोस्तों, वो फ़ोटोज़ नहीं है बिल्कुल, जो कि मैंने आपको पहले दिखाई थी। दोस्तों, बड़ा ही आसान तरीका है, बिना किसी ऐप के आप अपनी फ़ोटोज़ और फोल्डर्स को हाइड कर सकते हैं। और दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे उन्हें अनहाइड करना है। उसी फोल्डर में जाइए और यहाँ पे मोर पे क्लिक कीजिए और शो हिडन फाइल। ये देखिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट्स हमारे सामने दिखने लगे हैं। और वैसे ही आपको इसको लॉन्ग प्रेस करना है और इसको दोबारा से रीनेम कर देना है। जो हमने डॉट डाला था उसको आप हटा दीजिए और इसको रीनेम कर दीजिए। और अब आपको मैं दिखाता हूँ अपनी गैलरी में कैसे ही वो फ़ोटो वापस आ जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, ये जो फ़ोन्स की फ़ोटो थी ये वापस आ चुकी हैं। तो दोस्तों, काफ़ी आसान तरीका है और काफ़ी अच्छा तरीका है फ़ोटोज़ और फोल्डर्स को हाइड करने के लिए। दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि ये जानकारी आपको और भी लोगों को पता लग सके। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।